हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी के लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ, टॉपिक है, यहाँ हम जानेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं आपसे। ठीक है, आप चाहे सेपरेशन में हैं या आपकी थोड़ी बहुत बात भी अगर हो रही है, तो वो चाह क्या रहे हैं, वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं या क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, चाहते क्या हैं वो आपसे। ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन है, अच्छी है, बुरी है, तो मैं जानने की कोशिश करूँगी कि वो बेसिकली चाहते क्या हैं आपसे, क्या क्या चीज़ें आप में इम्प्रूवमेंट्स, वो मतलब क्या इम्प्रूवमेंट्स वो उनको आप में देखना है, या क्या आप मतलब क्या चाहते क्या हैं वो। ठीक है, तो रीडिंग में जो भी आएगा मैं आपको बताऊँगी। तो रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको आपके पर्सन के बारे में पता चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। आई होप कि ये टॉपिक भी आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी यहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर आप यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग, कुछ ना कुछ हेल्प हो सकती है आपकी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, फोर ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस। क्या चाहता है ये पर्सन? सेवन ऑफ वैंड्स, जस्टिस लिब्रा, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस। वेट अ सेकेंड, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ फायर और वाटर साइन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ये तीन कार्ड्स आए हमारे हाथ में, इसको ले लेते हैं। और यहाँ से है टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, तो ये कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। चाहते क्या है ये पर्सन, चाहते क्या है? मुझे लगता है ये पर्सन चाहते हैं स्पेस। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा है यहाँ पर, वाटर साइन है यहाँ पर, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, और यहाँ पर एयर और अर्थ साइन भी है, तो एलिमेंट यहाँ सारे ही हैं। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, लेकिन मुझे एयर साइन में से सिर्फ लिब्रा दिख रहा है, लेकिन जेमिनाई और एक्वेरियस भी हो सकते हैं। यस गाइज, इसको स्पेस चाहिए राइट नाउ, आई डोंट नो, बट येस, कुछ के लिए ये बिल्कुल सच है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इवन ये, इसका घर अच्छा खासा होगा और पैसों की कमी नहीं होगी, बट इसकी खुद की लाइफ में ये स्टेबल नहीं दिख रहा है मुझे, या फिर अगर स्टेबल हो भी गया होगा तो अभी भी कुछ चैलेंजेस इसके वर्क में आ रहे हैं इसके पास। तो ये थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं और थोड़ी उलझनों में दिख रहे हैं ये मुझे। और देखो, आपके साथ ये एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग तो फील करते हैं और ये भी मानते हैं आपको कि आप इसके लिए एक गॉड गिफ्टेड हैं। ठीक है, डिवाइन ने आपको इस पर्सन की लाइफ में भेजा है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको ये कमिटमेंट देना भी चाहते हैं विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स, और रिकन्सिलिएशन की भी इसके मन में है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि विद द जस्टिस कार्ड ये जजमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर डिवाइन के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि ये आपके लिए स्टैंड ले। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये आपको भूले नहीं हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इसको आज भी एकदम अच्छे से याद है। ये चाहते इस कनेक्शन में विक्ट्री हैं, और ये भी चाहते हैं कि आपको भी ये इनफ स्पेस दे। देखो गाइज, यहाँ पर आप दोनों को नहीं पता कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, वो आपकी सोल को पता है बहुत अच्छे से। तो आप दोनों की सोल ने यही डिसाइड किया है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कि आप दोनों को इनफ स्पेस मिले और आप अपने अपने फैक्टर में अच्छा कर दिखाएं।
इन मुसीबतों से खुद को बाहर निकालें, ठीक है। बिकॉज टू टाइम फाइव्स का कार्ड है, तो इसका मतलब है यहाँ पर चैलेंजेस हैं, यहाँ पर एक तरीके से टावर मूवमेंट आप मान लीजिए जो यहाँ पर आया हुआ है। तो ये पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। अपनी आप अपना इनर वर्क अच्छे से करें, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के लिए गॉड गिफ्टेड हैं। ये तो आप दोनों को ही पता है कि भगवान ने, अगर आप दोनों देखो इतना तो आप अब समझ आपको समझ आता ही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि एक दूसरे के लाइफ में आने के बाद बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आप दोनों के लाइफ में आए हैं, बहुत स्पीड में चेंजेस आए हैं, ये बात पर आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सन हैं, ठीक है, एक ऐसा गिफ्ट है जो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी वाइब्स आप दोनों को एक दूसरे से आती है, भगवान का आशीर्वाद आप दोनों पर है जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। इस पर्सन को रिकन्सिलिएशन करना है, लेकिन ये जजमेंट का वेट कर रहे हैं ताकि ये कमिटमेंट आपको दे, ठीक है। तो ये चाहते यही है कि आप भी इनफ स्पेस लें और इस पर्सन को भी दें, ठीक है। इस पर्सन को ज़्यादा चेज ना कर कर अपने फ्यूचर पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ठीक है। यही चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक बार साइकिक टैरो से भी देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। यस गाइस, देखो तीन कार्ड्स आए हैं, दो कार्ड्स हैं। देखो ये वेटिंग गेम तब तक चलेगा जब तक कि ये बैलेंस नहीं बन जाता, जब तक कि आपको समझ नहीं आ जाते कि आप क्यों इस धरती पर आए हैं, क्या पर्पस लेकर आए हैं, क्या काम आपको करना है, ठीक है। तब तक शायद ये वेटिंग गेम चलेगा, लेकिन इसको पता है कि इसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही आगे जाएगी। लव बिगेन्स, एंजल नंबर 111 यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है। ये आपसे प्यार चाहते हैं गाइस, न्यू बिगिनिंग चाहता है ये पर्सन। ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, चाहे ये एक्सेप्ट करें या ना। ये शायद इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहे क्योंकि यहाँ वेटिंग गेम है, ये तब तक आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। और ये चाहते हैं कि आप भी एक बैलेंस मेंटेन करें अपनी लाइफ में, अच्छा करने की कोशिश करें। टाइम से ही इसका डिसेप्शन हटेगा, इसकी जेलेसी खत्म होगी जो भी ये कैरी करके बैठे हुए हैं। आपके पर्सन इस टाइम टफ सिचुएशन में दिख रहे हैं मुझे, और इसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की भी जरूरत है। इसीलिए ना ये इस पर्सन ने ना इस कनेक्शन को सरेंडर किया हुआ है, और स्टिल यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं। यहाँ एंजल नंबर 555 भी है, देखो एक और 5 नंबर आ गया है यहाँ पर, हार्मनी एंड यूनिवर्स, होप, होप कार्ड है। आप देख रहे हैं दो दो बार सन कार्ड यहाँ पर, सन कार्ड मैंने देखा तो था, यस ये रहा, दो बार सन कार्ड आ गया यहाँ पर, होप एंड सन। इस पर्सन को होप है कि आप अपनी हीलिंग पूरी करोगे इस कनेक्शन के लिए, कुछ ऐसा सोचते हैं ये पर्सन। इसको होप है कि हार्मनी कनेक्शन बनेगा, इसको होप है कि ये आपको कमिट कर पाएंगे एक टाइम पर, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ यहाँ। इसको होप है कि यूनिवर्स आप दोनों के साथ हैं, इसको होप है ये। इसीलिए इस पर्सन ने ना इस कनेक्शन को भगवान के हवाले छोड़ा हुआ है, और ये वेट कर रहे हैं कि कब वो ऑर्डर देंगे और ये कब आपको रिकन्सिलिएशन के लिए बोलेंगे, कभी आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए, क्योंकि कंपैटिबिलिटी ये देखते हैं आपके साथ हैं, प्यार ही आपसे करते हैं, आपको लेकर जेलसी भी है इस पर्सन के दिल में दिमाग में। मैं यही सोच रही थी, यही है ये कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये पर्सन आएंगे आपके पास, आर्केंजल एरियल की ब्लेसिंग्स है, आर्केंजल एरियल आपको सपोर्ट करेंगे, इस पर्सन को सपोर्ट करेंगे, आर्केंजल एरियल इस पर्सन को लेकर आएंगे आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पर। बैलेंस बनाओ गाइस, ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। Deceit, Archangel Uriel,
एंजाइटी, कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि इसने आपको धोखा दिया है, आपसे बात ना करके आप पर ब्लेम डालकर। ये इस वाली एंजाइटी में भी हैं ये पर्सन, इसको एंजाइटी होती है कि इसने आपका दिल तोड़ा है, ये आपको इस सिचुएशन में छोड़ के खुश नहीं है। इसको लगता है कि इसने आपको धोखा दिया है, इसको लगता है कि पता नहीं आप इसके बारे में सोचते क्या होंगे। ये सॉरी फील करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ एक हार्मनी कनेक्शन है, पर ये डिवाइन के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। और ये अपनी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल देख चुका है ये पर्सन, जो चीज़ें मैं यहाँ देख पा रही हूँ। इसको न्यू बिगनिंग करना है, ये अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, इसको बैलेंस चाहिए इस कनेक्शन में, यूनिवर्स पर इसको ट्रस्ट है जिस तरीके से आपको है, तो डिवाइन ऑर्डर का ही वेट कर रहे हैं ये, इफ़ यू बिलीव। लेट गो, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप सारी टेंशन को लेट गो कर दो। अगर आपको बिलीव है ही इज और शी इज योर ट्विन फ्लेम, देन हर तरह की टेंशन को लेट गो कर दो और आपको बिल्कुल भी ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी, टेंशन मत लो ईयर फ्रॉम नाउ, बिकॉज हो सकता है कि आज से ठीक 1 साल बाद आपके लाइफ में ये रोमांस आए, 1 साल का सेपरेशन आपको और देखना पड़े, इट कैन बी पॉसिबल। ट्विन फ्लेम इजी कनेक्शन नहीं होता, एक्शन लो जितना हो सके अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो ये डिले और ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, लेट गो कर दो टेंशन एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सोचने का नज़रिया बढ़ा दो, बिकॉज यू नीड टू ब्रिंग चेंज, एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है अभी, तो चीज़ें बदलेंगी अगर आपने सोचने का तरीका बदल दिया तो। एंड सी वट डू यू नीड टू रिलीज, ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटी यू हैव टू रिलीज एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। तब तक दुनिया को दिखा दो कि आप रियलिटी में कौन हैं, आपकी वर्थ क्या है, यू नीड टू शो द वर्ल्ड। या लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बींग रिवील्ड, डीप इन साइड्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल एस्ट्रल रैलम। यानी कि देखो, अब आप ना हेवन से एनर्जी डाउनलोड कर सकते हो, मीन्स और उस उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बना सकते हो, सच्चाई आपके सामने अब आने वाली है, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। वाओ, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा इज विद यू गाइस, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। कोई आपसे प्यार करे ना करे, लॉर्ड कृष्णा आपसे बहुत प्यार करते हैं, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, और ये आपकी कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं और आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस फर्स्ट। सो अगर कृष्णा आपके साथ हैं, यू रियली नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी गाइज, ये आपके पास आए हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, दैट्स वाई। ट्रस्ट कीजिए अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस पे, डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाअवतारा बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, आपको अपने सोल एक्सपेंशन पर ही तो फोकस करना है। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स, यही तो यहाँ पर लेडी वीनस ने बोला, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आपकी सबकॉन्शियस पावर बढ़ रही है और आप समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिठा पा रहे हैं चीज़ों में, रिलेट कर पा रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना लिया है, अब ट्रस्ट कर कर आगे बढ़ो, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको स्पेस दिया है, आपको इम्प्रूव, आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स लाएं इसी के लिए, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, उसे वेस्ट मत करो फर्स्ट ऑफ ऑल।
ओके, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।